नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का सीएनजी वाला वेरिएंट। सीएनजी सिर्फ दो ही वेरिएंट में मिलती है, एलएक्सआई और वीएक्सआई। तो सीएनजी के लिए यही टॉप है, सीएनजी का टॉप वेरिएंट है भाई ये। और इसके ऊपर कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है, क्योंकि ईयर एंड चल रहा है तो मारुति अपनी सभी गाड़ियों पर आपको भर भर के डिस्काउंट देगी। इसके ऊपर भी डिस्काउंट दे रही है, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, भाई बने रहना। सबसे पहले इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं, बैक साइड से ही। यहाँ पे अंदर इसमें सीएनजी का सिलेंडर मिल जाएगा, और जैसा फिटिंग होती है मारुति की गाड़ियों में सेम इसमें वैसी मिलेगी। यहाँ पे ये इसमें वॉल्व मिलेगा एक मैनुअल, जो आप हाथ से अपने बंद कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। दूसरा ये यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा, ये काम करेगा बैटरी के साथ। जब भी आपकी गाड़ी का इग्निशन ऑफ होगा तो यहाँ से सीएनजी को ये बंद कर देगा। जैसे इग्निशन ऑन हो जाएगा तो सीएनजी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। एक आप सेफ्टी फीचर बोल सकते हैं, मारुति की सभी गाड़ियों में मिलेगा, आप चाहे स्विफ्ट लो, डिजायर लो, अर्टिगा लो, कोई भी लो। और भाई एस्प्रेसो सीएनजी की सबसे अच्छी बात, यहां पे सीएनजी भरने के लिए जो नोजल दिया गया है वो यहां अंदर ही मिलेगा। पेट्रोल के लिए भी यही है और सीएनजी के लिए भी यही है। जैसे स्विफ्ट में या डिजायर में है बाहर अलग से लगा दिया वो काला सा मोटा सा, वैसा नहीं है, इसमें आपको अंदर ही मिलेगा। उसका फ़ायदा तो मेरे को नहीं लगा, नुकसान ही होता है जो बाहर होता है, उसको कोई भी निकाल दे या कुछ भी तो उसमें दिक्कत होती है। अगर आप ट्रैफिक में हो, उसको हल्का सा किसी ने बाहर खींच दिया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। ये है उसमें दिक्कतें जो अच्छा नहीं है, और वैसे भी वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो ये अंदर वाला है, ये भाई किसी को पता ही नहीं चलता गाड़ी सीएनजी है या क्या है बाहर से देखने में। अगर ये स्टिकर हटा दिया जाए ना आगे पीछे जो इसके ग्लास पे लगे हैं, तो फिर तो भाई किसी को पता ही नहीं चलता कि गाड़ी सीएनजी है या फिर पेट्रोल है। अब बताता हूँ भाई इसका फ्रंट में क्या कुछ मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे इसमें जो लाइट दी गई है वो सेम वैसी मिलेगी जो VXI प्लस में थी, और भाई जो VXI पेट्रोल में मिलती है सारा वही सेटअप है। यहाँ पे आपको सिंगल ये हैलोजन बल्ब मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा इसमें टर्न इंडिकेटर, छोटा सा पार्किंग के लिए वो बल्ब मिलेगा। नीचे यहाँ पे ये डिज़ाइन है, फोग लैंप नहीं होता। जो लोअर बम्पर है इसका वो भाई पूरा ब्लैक कलर का मिलेगा, मैट ब्लैक आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ सेंटर में सुजुकी का लोगो मिलेगा। VXI में आपको यहाँ पे जो ये ग्रिल है ये क्रोम के साथ नहीं मिलती, ऐसे ही ब्लैक दी जाती है इसमें। जो VXI प्लस है उसमें यहाँ पे क्रोम मिल जाएगा। भाई ये इसका फ्रंट है, बाकी और फ्रंट में नहीं है कुछ बताने के लिए। हुक के लिए यहाँ पे है जो टो हुक होता है, उसके लिए यहाँ पे बम्पर में अलग से स्पेस दिया गया है। एक इसमें आगे फ्रंट में मिलता है ये वॉशर, दो मिल जाएंगे वाइपर, सीएनजी का यहाँ स्टिकर दिया गया है। साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो ये देखो भाई इसका साइड प्रोफाइल। VXI में आपको इसका डोर हैंडल और ये सारा कुछ ब्लैक कलर में ही मिलेगा। जो VXI प्लस है उसमें ये बॉडी कलर हो जाएंगे। अगर इसके मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये है भाई 14 इंच का 165/70R14 टायर का प्रोफाइल है। ब्लैक कलर के इसमें आपको ये स्टील रिम मिलेंगे और वही सिल्वर कलर के व्हील कवर मिल जाएंगे, वो अंदर रखे हैं क्योंकि गाड़ी अभी स्टॉक में है इसलिए यहाँ पर लगे नहीं है। फेंडर के ऊपर मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर, ब्लैक कलर के ORV मिलेंगे, ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिल जाएंगे। कोई यहाँ पे पिलर ब्लैक कलर में नहीं है, सारे बॉडी कलर मिलेंगे। ऊपर वहाँ आपको सिंपल वाला इसमें एंटीना मिलेगा। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे है जैसे मैंने बता ही दिया। अब पीछे बताता हूँ, इसको करता हूँ बंद और फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई इसका रियर लुक। यहाँ पे टेल लाइट है वो भी पूरा हैलोजन सेटअप मिलेगा। ये ब्रेक लाइट है, ये इंडिकेटर है, ये बैक गियर के लिए है। ऊपर यहाँ पे डिफॉगर, वाइपर, वॉशर कुछ नहीं मिलेगा। हाई स्टॉप लैंप, सीएनजी का यहाँ पे स्टिकर, सुजुकी का लोगो ये दिया गया है, एस्प्रेसो यहाँ पे लिखा गया है, और भाई ये की होल इसमें मिल जाएगा। बूट ओपन करने के लिए आप यहाँ से की के साथ ओपन कर सकते हैं, या फिर आगे मिलेगा ड्राइवर साइड इसमें तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जो भाई इसका रियर बम्पर है वो पूरा ब्लैक कलर का ही मिलेगा, मैट ब्लैक है, और भाई दो इसके ऊपर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पे टो हुक दिया गया है। ये हो गया इसका रियर प्रोफाइल। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर भी मिल जाएंगे भाई इसमें। अब ड्राइवर साइड दिखाऊं तो ये देखो भाई थोड़ा सा स्पेस कम है तो ऐसे दिखाऊंगा। यहाँ पे है तो सारा कुछ सेम, कुछ अलग नहीं है, एक चीज़ का डिफरेंस है बस, यहाँ पे की होल मिल जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। की मैंने नहीं दिखाई थी, इस टाइप की मिलेगी VXI में, एक रिमोट की मिलेगी और एक ये सिंपल वाली, दो इसके ऊपर बटन मिल जाएंगे। अब भाई इसको अनलॉक करते हैं और चलते हैं अंदर। इसमें अनलॉक हो गई भाई, कोई आवाज़ नहीं करती है, टी टी करती हैं जैसे मारुति की गाड़ी है, वैसे इसने नहीं किया। अब आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर, पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। सबसे पहले डोर दिखा दो फिर अंदर जाऊंगा। यहाँ पे जो डोर पैनल दिया गया है वो पूरा हार्ड प्लास्टिक का मिलेगा, सेम वैसा ही है जैसा VXI प्लस में था। यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं इसमें, प्लास्टिक क्वालिटी भी वैसी ही है। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसमें बोतल होल्डर, थोड़ा स्पेस ये मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है, डोर ओपनर है, नीचे स्पीकर दिया गया है। जो इसके ORVM है वो भाई मैनुअल मिलते हैं आपको, यहाँ पे ये स्टिक दी गई है ORVM एडजस्ट करने के लिए। फोल्ड भी भाई ये हाथ से ही करने पड़ेंगे। अब चलते हैं इसकी सीट की तरफ। सीट इसमें सेम वही मिलेगी, वही फैब्रिक है और फैब्रिक का डिज़ाइन भी वैसा ही है।
हाइट एडजस्ट करने के लिए इसमें सीट आपको नहीं मिलेगी और भाई यहाँ पे फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। अब चलते हैं, इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, इसका डैशबोर्ड पूरा ब्लैक कलर का मिलेगा। ऊपर यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, ये यहाँ पे मैट ब्लैक मिल जाएगा, प्लेन प्लास्टिक मिलेगा, ये वाला थोड़ा टेक्सचर के साथ मिल जाएगा। सेंटर वाले एसी के वेंट हैं यहाँ पे, और भाई ये आपको पूरा ब्लैक कलर में मिलेगा। जो VXI प्लस में आपको यहाँ पे ये मैट सिल्वर मिल जाएगा, जो ये इसका रिंग दिखाई दे रहा है ना गोल सर्कल, ये मैट सिल्वर में मिलेगा। और दूसरा VXI प्लस में यहाँ पे टच म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, बाकी तो ऐसा ही है देखने में और कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। इसमें ये सिंपल वाला मिल जाएगा, दो यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच है, ये म्यूजिक सिस्टम के इसके यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे, फिजिकल ऑक्स और USB के लिए यहाँ पे ये पोर्ट दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो वो भाई डिजिटल ही दिया गया है, अभी ऑन करके दिखाऊंगा। पहले और चीज़ें बता देता हूँ, दो इसमें आपको मिल जाएंगे एयरबैग, एक एयरबैग यहाँ स्टेयरिंग के ऊपर है, एक यहाँ साइड में। साइड वाले एसी के वेंट राउंड शेप में मिलेंगे, थोड़ा सा स्पेस ये दिया गया है। यहाँ पे जो इसका ग्लव बॉक्स है वो छोटे साइज का है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया जाता। वो वाला डोर भी सेम है, वहाँ भी कुछ चेंज नहीं है। ORVM ये मैनुअल नहीं मिलता भाई इसमें, ये सिंपल वाला मिलेगा, डे नाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। कैबिन लाइट येलो कलर की, यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं है, ग्रैब हैंडल, यहाँ पे टिकट होल्डर भी नहीं मिलेगा। ये हो गया ऊपर का पूरा तामझाम। नीचे बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैनुअल इसमें ये क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, एयर सर्कुलेशन के लिए ऐसे मिलेगा, स्लाइड करके कर सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे USB ऑक्स की कनेक्टिविटी इसमें नहीं मिलेगी, VXI प्लस में मिलेगी, यहाँ इसमें यहाँ पे मिलेगी। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, दो कप होल्डर हैं। गियर नॉब की बात करूँ तो पूरा ब्लैक कलर का है, प्लास्टिक का, और यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। नीचे ये वाला पार्ट भी पूरा ब्लैक है, मैट ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और भाई यहाँ पे मैनुअल इसका ये हैंड ब्रेक मिल जाएगा। ये हो गया सेंटर वाला पार्ट। अब स्टेयरिंग दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई स्टेयरिंग राउंड शेप में है, पूरा रबड़ रैप है, सब जगह आपको पूरा ब्लैक प्लास्टिक ही मिलेगा। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, एयरबैग, हॉर्न भी यहाँ सेंटर से इसका यूज़ करेंगे। एडजस्टमेंट के लिए भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, स्टेयरिंग फिक्स रहेगा एक जगह ही। यहाँ पे वाइपर के लिए नॉब दिया गया है, यहाँ पे हेडलैम्प के लिए, हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ नीचे दिया गया है भाई, ये इस टाइप से मिलेगा मैनुअल वाला। और यहाँ पे आपको कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ये स्विच मिलेगा CNG और पेट्रोल में स्विच करने के लिए। अब एक बार इग्निशन ऑन करके आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। ये देखो भाई इस टाइप का है, वही है भाई जो VXI प्लस में था या VXI में था। इसमें आपको चेंज मिलेगा, यहाँ पे इसमें CNG शो करता है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे CNG शो करेगा, यहाँ पे पेट्रोल शो करेगा, बस यही डिफरेंस आया, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। जो पेट्रोल वर्जन है VXI उसमें एक साइड ही बार होते हैं, इस साइड कुछ नहीं होता। इसमें यहाँ पे आपको CNG मिल जाएगा, बीच में यहाँ पे पेट्रोल और CNG लिखा गया है, CNG ब्लिंक कर रहा है क्योंकि गाड़ी अभी बंद है। जब गाड़ी स्टार्ट होगी CNG पे स्विच कर जाएगी, CNG ब्लिंक करना बंद हो जाएगा और पेट्रोल यहाँ से हट जाएगा। नीचे टाइम दिया गया है, ऊपर ऑडोमीटर है, ये नॉब है, इसको प्रेस करूँगा तो बाकी और इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, जैसे यहाँ पे ट्रिप ए दिखा दिया, ट्रिप बी दिखा दिया, और भाई ये इसमें एवरेज है, रेंज, ओडोमीटर, बस ये चीज़ें दिखाता है। स्पीडोमीटर यहाँ ऊपर डिजिटल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वार्निंग लाइट मिलेगी, थोड़ी वार्निंग लाइट यहाँ पे मिल जाएगी। ये भी ऐसे ही भाई लो फ्यूल की यहाँ पे वार्निंग आई है क्योंकि पेट्रोल कम है गाड़ी में। इसमें आपको 2 स्पीकर मिलते हैं, आगे पीछे कोई भी स्पीकर नहीं मिलता एस्प्रेसो में। अब चलते हैं सेकेंड रो में, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या कुछ और मिलेगा इसमें। इस साइड थोड़ा स्पेस कम है भाई, उस साइड से चलेंगे। अंदर इसमें थोड़ा सा सामान है, ये देखो यहाँ पे व्हील कवर रखे गए हैं, इसका टूल है, जैक वगैरह जो भी वो यहीं रखा हुआ। अभी जब गाड़ी जाएगी डिलीवरी के लिए तब पूरा सब कुछ सेट हो जाएगा जगह पे अपनी। पीछे वाला डोर पैनल भी पूरा ब्लैक कलर में ही मिलेगा, थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा डोर ओपनर विंडो के लिए, क्योंकि मैनुअल मिलते हैं भाई पीछे वाला विंडो। और यहाँ पे कोई स्पीकर वगैरह नहीं दिया गया। सीट की अगर फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक भाई इसमें सेम वही है, आगे वाला ही, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, पीछे वाले हेडरेस्ट है जो वो भी फिक्स है, पूरी बेंच सीट मिलेगी और यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट वगैरह इसमें नहीं दिया जाता। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे पीछे भी, कैबिन लाइट सिर्फ आगे ही मिलती है, पीछे कोई पार्सल ट्रे नहीं दी गई भाई इसमें। स्पेस भाई वैसा ही है जो VXI प्लस में था, उसमें मैंने बैठ के दिखाया था, इसमें सामान पड़ा है भाई ज़्यादा, तो इसलिए अंदर बैठ के नहीं दिखा रहा। अगर भाई इसके एक्सशोरूम कीमत की बात करूँ तो ये है 6,98,000 CNG वाला वेरियंट, और भाई इसके ऊपर कंपनी ईयर एंड पे 50,000 का डिस्काउंट दे रही है। आप भाई शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या किसी भी मारुति के शोरूम में जाके आप पता कर सकते हैं, मारुति सुजुकी अरीना पे, क्योंकि भाई एस्प्रेसो अरीना पे मिलती है, नेक्सा में नहीं मिलेगी ये। आप जब टेबल पे बैठ के बात करोगे, अपने डील फाइनल करोगे, डिस्काउंट और भी बढ़ सकता है, 5, 10, 20 कितना भी हो सकता है, वो आपके बात करने के ऊपर है। और भाई कुछ एक्सेसरीज इसके साथ फ्री भी मिल सकती हैं,
वो आपकी डील के ऊपर, आप डील कैसी करते हो। ये था भाई एस्प्रेसो का सीएनजी वर्जन। इसमें जो कुछ फीचर वगैरह मिलते हैं वो सारा कुछ मैंने बता दिया, इसकी कीमत बता दी। इंजन की बात करूँ तो इंजन वही है भाई, इसमें जो पेट्रोल में था 1000 सीसी का 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन इसमें दिया जाता है। बाकी भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।